डॉक्टर साहब, मुझे बताया गया है कि आप भी क्लोज कांटेक्ट में आए थे संक्रमित के, जिससे आपको खुद ये संक्रमण हुआ, उसके बाद क्वारंटीन में आप चले गए, और जब आपने कोरोना से ये जंग जीत ली तब का अनुभव, और जब आपको इस संक्रमण के बारे में पता चला तब आपके लिए एक शॉक वैल्यू थी? दोनों चीज़ सही आपने पूछा। एक्चुअली जब मुझे पता चला कि जिस पेशेंट को मैंने देखा था कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो मैं भी तुरंत मुझे CDMO का फोन आ गया कि आपका रेफर हुआ पेशेंट पॉजिटिव निकला है और आप भी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल आके जांच करा लें और मोहल्ला क्लिनिक को जितने स्टाफ हैं उनको होम क्वारंटाइन पर भेज दें। तो बिल्कुल मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि मैंने सब सावधानियां बरत ली थी। लेकिन मैं इमीडिएटली सुन के गुरु तेग बहादुर गया, जहां आइसोलेशन में वहां एडमिट हो गया और मुझे पॉजिटिव निकला। फिर 23 तारीख को मुझे वहां से भेज दिया गया सफदरजंग हॉस्पिटल, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर, ब्रेथलेसनेस और खांसी रही, टैकीकार्डिया हुआ और सांस फूलने लगी, तो भेज जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल इससे नहीं डरा, बिल्कुल नहीं डरा, सब पॉजिटिव ही लेता रहा। और सफदरजंग में भी इतने अच्छे स्टाफ सब थे, स्वीपर से लेके सीनियर रेजिडेंट, ड्यूटी डॉक्टर और कंसल्टेंट इतने अच्छे थे, सब पॉजिटिव बता रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप ठीक होके जाओगे, सब ठीक होके जाएंगे। तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और सब अपने दिमाग में वही सकारात्मक ही मैं लेता रहा, कोई नेगेटिविटी अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं आने दिया। WHO का जो गाइडलाइन है वही सब देखता रहा। हमारे सीनियर डॉक्टर्स और फ्रेंड्स का जो फोन आया उससे काफी मैं मोटिवेट हुआ, तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा दो जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है और हमारे सीनियर कंसल्टेंट का फोन आ गया कि आपको घर भेज दें, मैंने पूछा रिपोर्ट, कहते हैं दोनों रिपोर्ट आपका नेगेटिव है, तो बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो बतौर दर्शक भी हम कई बार जानना चाहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव साझा करते हैं, क्योंकि आप इस संक्रमण से गुजर चुके हैं और ठीक भी होकर वापस आ चुके हैं अपने काम पर, ऐसे में कौन से वो तमाम एहतियात हैं जो फ्रंट एंड लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो डॉक्टर्स हों, उनको बरतने चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने वो एहतियात बरते उसके बावजूद आपको ये संक्रमण हो गया। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे वो मेडिको है या नॉन मेडिको है या वो पुलिस वाले जो इसमें काम कर रहे हैं, सबको जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, दिल्ली सरकार ने जो गाइडलाइन दी हैं क्वारंटाइन के बारे में, जो क्वारंटाइन में है वो 100% फॉलो करें, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो भी 100% जो आइसोलेशन में है वो तो कर ही रहे हैं, घर में आने के बाद भी जितना मैक्सिमम है उसका फॉलो करें, तो वही एक बचा सकता है। जिसमें सब कुछ तो ऑलरेडी बता दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन ही करना है। उसके अलावा जो है हैंड वॉशिंग है, तो हैंड वॉशिंग हर 20 मिनट पे, आधे घंटे पे करते ही रहना है। मास्क प्रॉपर वे में पहने और डिस्टेंस का फासला रखें। मास्क जो है कई देखते हैं कि पहन के मुंह बंद कर लिए, नाक, ये नहीं, प्रॉपर वे में करें, इससे हम जीत पाएंगे कोरोना से, बिल्कुल जीत पाएंगे।